फ्रेंड माई सेल्फ विमल कुमार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे की ऑफ सक्सेस के बारे में, यानी कि सफलता की कुंजी क्या है, आखिर सफलता की कुंजी। दिस वीडियो इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली नीट एस्पिरेंट एंड जेई मेन एस्पिरेंट, बिकॉज दिस वीडियो इज एवरी स्टूडेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम जो है सेंट्रल लेवल का हो या फिर वो एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं की ऑफ सक्सेस के बारे में, यानी कि सफलता की कुंजी के बारे में। तो की ऑफ सक्सेस के बारे में जानने के लिए हमको 10 पॉइंट देखने होंगे, वो 10 बिंदु हमें देखने होंगे। तो हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से 10 बिंदु हैं, और इन्हीं 10 पॉइंट की मदद से आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, आप भी अगर अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो जो है वो सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है की ऑफ सक्सेस, क्या है सफलता की कुंजी, वो कौन सी 10 बातें हैं जिनका हम अपने ज़िंदगी, यानी कि जिनको हम अपने ज़िंदगी में ला करके, जिन्हें हम अपना करके जो है सफलता पा सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कोई सपना देखा है, आपका भी कोई गोल है, आपका भी कोई एम है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को इसी वक्त स्किप कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, जब आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं की ऑफ सक्सेस के बारे में, कि आखिर की ऑफ सक्सेस में वो 10 बातें कौन सी है जिससे हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि टाइम टेबल इज नॉट, जो है टाइम टेबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली स्टूडेंट। टाइम टेबल हर एक इंसान के पास होना चाहिए। टाइम टेबल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल, एक टाइम शेड्यूल, उसका अपना एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। वो अपनी लाइफ को किस तरह से जो है व्यतीत करता है, उसका एक टाइम टेबल उनके पास होना चाहिए। पूरे दिन में वो कौन सा कार्य करता है, उसके कार्य करने का समय सारणी क्या है, वो उनके पास होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी आदत है, बहुत ही बड़ा गुड हैबिट है, ये स्टूडेंट के अंदर भी या फिर अगर कोई और करता है तो उसके अंदर का एक बहुत ही बड़ा गुड हैबिट है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट को तो खास कर ये बिल्कुल ये कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर आपने कोई सपना देखा है, आपने कोई गोल देखा है, तो उसके लिए टाइम टेबल आर कंपलसरी। ठीक है, टाइम टेबल आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, और इसे लाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल आपको बताता है कि आपको अपने पूरे दिन में क्या करना है, किस टाइम में आपको कौन सा काम करना है। टाइम टेबल आपके टाइम को बर्बाद नहीं करने देता है। टाइम टेबल से आप जो है अपने आप में जो है आपको एक ऊर्जा मिलती है, एनर्जी आपको मिलती है कि आपको इस पीरियड में क्या करना है। हर एक पीरियड के अलग अलग जो है टेबल आप बनाइए। ठीक है, तो टाइम टेबल कैसे बनाना है, अगर आपको प्रॉपरली पता नहीं है कि टाइम टेबल बनाने का सही तरीका क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको बताएंगे कि टाइम टेबल बनाने का सही तरीका क्या है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। ओके, सो देखिए, ये है हमारा जो है पहला पॉइंट था टाइम टेबल। तो आज ही अपना टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 24 घंटे हैं आपके पास, पूरे दिन में जो है तीनों रात मिला के 24 घंटे होते हैं। तो उन 24 घंटों में कब आप सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये टाइम टेबल ही जो है तय करेगा। तो इसलिए टाइम टेबल जो है बहुत ज़रूरी है। तो पहला काम यही करो कि आप टाइम टेबल बना लो। अगर आपने कोई सपना देखा है, आपने कोई एम देखा है, आपने कोई गोल देखा है, तो उसके लिए टाइम टेबल तो आपको कंपलसरी होता है कि आप बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्पीकलेस। ये बहुत ही बड़ी बात है स्पीकलेस।
आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे कि वो बहुत कम बोलते हैं, तो जो आपने भी देखा होगा, आपने उस चीज को महसूस किया होगा, फील किया होगा आपने कि जो स्टूडेंट कम बोलता है, बहुत ही कम बोलता है, वो तेज होता है। तो कहते हैं कि बोलने से भी हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती है, तो इसलिए हमें बोलना उसी समय चाहिए जब हमें बोलना जरूरी हो। दोस्तों के साथ फालतू बातें करना या फिर कोई अदर टॉपिक पर, स्टडी के अलावा कोई अदर टॉपिक पर बात करना, ये जो है गलत तरीका है। ठीक है, स्टूडेंट को खासकर इस नियम का पालन करना चाहिए कि वो कम बोले, जब जरूरी हो तब बोले। ठीक है, अगर आपको क्लास में कुछ पूछा गया है तो उसका आप जवाब दें, या फिर जब आपको लगे कि नहीं यहाँ पर हमें बोलना चाहिए तो उस समय आप बोलो। अदरवाइज ज्यादातर कोशिश करें कि आप मौन रहें, आप कम बोलें। ठीक है, ये आपको प्रयास करना है। तो इसलिए हमारा अगला पॉइंट था स्पीकलेस। इससे आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है, कोई भी चीज आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो इसीलिए आपको ये फॉलो बहुत जरूरी करना है। उसके बाद अगला है हमारे पास राइजिंग अर्ली। स्टूडेंट का एक बहुत ही बड़ा गुड हैबिट है राइज अर्ली, जो है राइजिंग अर्ली। हर एक स्टूडेंट को सुबह उठना चाहिए। सुबह उठकर जब आप पढ़ते हो तो आपका जो माइंड है किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कोई भी चीज बहुत ही जल्दी जो है उसमें हमारी जो रिमेन मेमोरी होती है, जो याददाश्त मेमोरी होती है, उसमें बहुत ही फ्रेश होती है। कोई भी चीज जब आप याद करते हो तो उस समय बहुत इजीली तरीके से याद हो जाता है। तो इसलिए आप इसका याद रखिए, राइजिंग अर्ली, सुबह उठने की कोशिश करें। ठीक है, सुबह उठने की कोशिश करें। सुबह का मतलब कि सूरज उठने से पहले, सूरज उगने से पहले आप उठना है। ठीक है, 1-2 घंटे पहले आपको उठना है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास रीड 5 आवर्स डेली। अगर आपका कोई सपना है, नीट को क्वालिफाई करना है, जेईई मेंस को क्वालिफाई करना है, आईआईटी को क्वालिफाई करना है, या फिर कोई बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए बहुत ही कंपलसरी है कि आप डेली 5 आवर्स पढ़ें। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को जो है, यानी कि पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर कम से कम, ये मैक्सिमम मिनिमम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मिनिमम टाइम हम आपको दे रहे हैं 5 घंटे सिर्फ। ठीक है, मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो 8 घंटे, तो ये मिनिमम टाइम है कि कम से कम आप 5 घंटे जरूर दो पढ़ने के लिए। उसके बाद अगला है हमारे पास स्टडी इन मॉर्निंग। ठीक है, वही बात है, ये राइजिंग अर्ली, जब जैसे ही उठते हो तो स्टडी इन मॉर्निंग, सुबह में आप पढ़ो, सुबह में आप पढ़ो या फिर कोई भी चीज़ जो है आप उस समय उसको समझने की कोशिश करो, तो बहुत आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाता है। सुबह सुबह आपका दिमाग बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, उस समय आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है, उसमें आपकी जो रिमेन्स मेमोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। तो उस समय आप अगर पढ़ते हो तो कोई भी चीज़ बहुत ही कम समय में आप याद कर लेते हो, बहुत ही बिना रटे आपको याद हो जाता है उस समय। अगला है हमारे पास मेक्स नोट्स। स्टूडेंट के अंदर का एक बहुत ही बड़ा गुड हैबिट होता है कि वो नोट्स बनाता है। नोट्स हर एक स्टूडेंट को बनाना चाहिए, लेकिन नोट्स बनाने का भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है, अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो कोई बात, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन आपने जो पढ़ा, जो आपने कोचिंग में पढ़ी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप नोट्स बनाओगे तो दिस नोट्स आर बेस्ट नोट्स। ओके, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ जो आप ऑनलाइन पढ़ते हो, जो आप कोचिंग में पढ़ते हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब आप नोट्स बनाओगे तो वो नोट्स आपका एक बेहतरीन नोट्स होगा। यानी कि आपने कोचिंग में क्या पढ़ा और ऑनलाइन आपने क्या पढ़ा, उन चीज़ों को मिलाओ आप, कौन से टॉपिक किस जो है, कौन सा टॉपिक इसमें नहीं है, कौन सा टॉपिक इसमें नहीं है, तो जब आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाओगे तो वो नोट्स एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का नोट्स होगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स इसी तरह से बनाएं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगला है हमारे पास लीव मोबाइल। सबसे बड़ा जो है एडिक्टेशन है, सबसे बड़ा एडिक्ट आप कह सकते हो मोबाइल फोन, स्टूडेंट के अंदर का सबसे बड़ा कमजोरी जो है वो माना जाता है, आतंक आप कह सकते हो, स्टूडेंट का जो है टेररिज्म कह सकते हो आप मोबाइल फोन को। मोबाइल फोन के जरिए हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मोबाइल को हमने यहाँ पर लिया है। तो मोबाइल आर हार्मफुल स्टूडेंट, ठीक है, हार्मफुल फॉर स्टूडेंट। तो इसलिए अगर आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके लिए फायदेमंद नहीं है, मोबाइल का आप अगर गलत इस्तेमाल करते हो तो वो आप अभी छोड़ दो। गलत इस्तेमाल जैसे फेसबुक यूज़ करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, ठीक है, यूट्यूब पर रील्स देखना, फेसबुक पर रील्स देखना, तो दिस इज़ दी रॉन्ग वे। ठीक है, ये गलत तरीका है, ये गलत जो है यूज़ है मोबाइल का। तो इसीलिए मोबाइल को आप छोड़ दो,
अगर आपने सपना देखा है, सपनों को पूरा करना है तो आपको छोड़ना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने फायदे के लिए या फिर आप कह सकते हो कि आप स्टडी मटेरियल्स के लिए या फिर ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हो, तो उसके लिए मोबाइल को अगर आप अपने पास रखते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो फिर मोबाइल आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती होगी, वही चीज़ें आप करें, ज़्यादातर कोशिश करें। अदरवाइज अगर जो चीज़ें आपसे छूट रही है वो आप मोबाइल से कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल से एक रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन से हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और भी कई हमारे बॉडी के पार्ट्स पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट करता है, तो इसलिए मोबाइल को छोड़ दें। अगला है हमारे पास डिसिप्लिन मेंटेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन जो है हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेहनत करते हो और डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं करते, तो डिसिप्लिन मेंटेन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला है हमारे पास लीव फ्रेंडशिप, बहुत बड़ी बात है ये, लीव फ्रेंडशिप जो है बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप फ्रेंडशिप करो ही मत, क्योंकि ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो आपके साथ फायदे की बातें करते हैं, आपको जो है फायदे के काम के लिए बुलाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर दोस्त ऐसे ही होते हैं जो गलत चीज़ों के बारे में बात करना, गलत तरीके के, गलत जो है रूट में बात करना, तो इसलिए बेस्ट होगा कि आप फ्रेंडशिप छोड़ दो इस वक्त। ऐसे ही फ्रेंड्स को रखो जो आपको स्टडी करने में, पढ़ाई करने में आपकी मदद करें, हेल्प करें, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन योर एम, और डेली आपको क्या करना है, अपने ओम जो आपने जो एम देखा है उसको आपको फोकस करना है, उसके बारे में आपको थिंकिंग करनी है। जब आप अपने एम के बारे में थिंकिंग करोगे, जब आप अपने एम के बारे में सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ये कहने लगेगा कि इस एम को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को करने लगोगे, ठीक है। अगर कोई भी एम आपने देखा है तो उस एम के बारे में क्या क्या करना होगा, वो एम आपका कैसे कंप्लीट होगा, वो सपना आपका कैसे पूरा होगा, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एनालिसिस करने लगती है माइंड आपकी। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप डेली अपने एम को फोकस करें, याद करें। जैसे ही आप डेली एम को फोकस करोगे तो आपको एनर्जी मिलती जाएगी पढ़ने की, ठीक है। तो दोज आर ऑल पॉइंट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल स्टूडेंट, बिकॉज की ऑफ सक्सेस, ठीक है, की ऑफ सक्सेस कहते हैं इसे, सफलता की कुंजी कहते हैं इसे। तो सफलता पाना है, सक्सेस पाना है, तो ये 10 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये 10 पॉइंट आपको गूगल पर भी सर्च करने पर नहीं मिलेगा, ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हम लाए हैं। ये पॉइंट्स आप पूरे यूट्यूब पर भी नहीं पाओगे, आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, यही वो पॉइंट्स है, ठीक है, यही वो पॉइंट्स है जिसकी मदद से आप अपने ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो, जो आपका सपना है, वो आप पूरा कर सकते हो। तो इसीलिए इन सभी पॉइंट्स का पालन करें और टाइम टेबल का प्रॉपरली जो है ध्यान रखें, ठीक है, टाइम टेबल को प्रॉपरली आप उसका पालन करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।